हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और हम mangalsudha.com से बात कर रहे हैं। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्ले वर्सेस पीओपी। तो आइए देखते हैं क्ले वर्सेस पीओपी। तो सबसे पहले हम लोग दो ग्लास लिए हैं जिसमें हमने ड्रिंकेबल वाटर भर दिया है। पानी तो पूरी तरीके से भरने के बाद हमने पीओपी का स्टोन लिया है। ये पीओपी का स्टोन है, मतलब आफ्टर सेटिंग ऑफ पीओपी वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ स्टोन। तो अभी हम लोग दूसरे ग्लास में नेचुरल क्ले ले रहे हैं। अभी दूसरे ग्लास में हम लोग ने क्ले डाल दी है और कुछ समय के लिए अब हम इन्हें छोड़ देते हैं। तो पानी में दो, एक पीओपी का स्टोन और नेचुरल क्ले हमने डाल दिया है। और आइए ये फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख पा रहे हैं, मतलब लगभग एक घंटे बाद हम लग देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो नेचुरल क्ले है वो गल रहा है पानी में और पीओपी का स्टोन जैसे पहले था उस प्रकार ही है, और जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे गल रही है पानी में। और लगभग एक घंटे बाद मिट्टी पूरी तरीके से पानी में गल चुकी है और पीओपी जिस प्रकार था पहले उसी प्रकार है। तो अब हम दोनों ग्लास में से पानी हटा लेते हैं। तो हम लोग सेकंड ग्लास में से पानी निकाल रहे हैं। तो हमें जो पीओपी का स्टोन मिला है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार वो पहले था, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो उस प्रकार पहले था उसी प्रकार अभी भी है। और जब हम दूसरे ग्लास में से पानी निकालते हैं तो जो मिट्टी थी, जो सेट मिट्टी थी, वो पूरी तरीके से पानी में गल चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और पानी हटाने के बाद जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। तो आपको इसमें से अंदाज़ा आ जाएगा कि हम लोग किस चीज़ की बात करें। आने वाले गणेशोत्सव में आप मिट्टी के गणेश लीजिए ताकि पर्यावरण में कोई प्रदूषण ना हो। और लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा गणेश जी पुणे शहर, मुंबई शहर में बैठते हैं। तो इसमें से 2000 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट पैदा होता है जो कि ना हो, और हमारा गणेशोत्सव इको फ्रेंडली वे से सेलिब्रेट किया जाए। तो आपको ये इको फ्रेंडली गणेश जी मिलेंगे mangalsudha.com पर। आज ही बुक करिए और इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाइए। धन्यवाद।